top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. आज जो प्रोग्राम है क्या है, किस लिए रखा गया? ये कार्यक्रम शरणागतम इसका टाइटल है। ये कार्यक्रम उत्तराखंड में जो आपदा हुई है और वहाँ के जो जवानों ने जो शहादत दी है, जो नौजवान ने वहाँ पर सेवा करी है, तो लोगों ने उनको भगवान मान लिया है। तो ऐसे उन महान रंगबाजों को, वैसे जाबाजों को और उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ दुर्मंगल जी हैं और जेपी शर्मा जी हैं, शहीद श्रीकांत जी गुप्ता, और आप मंगलम इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं। तो ऐसी शख्सियतें यहाँ पर आई हैं जिनके द्वारा हमें सदा बल मिलता है, सहयोग मिलता है, तन मन धन से ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमारे इस प्रयास को, जो कि प्रभु की सत्ता में दखल देना एक बहुत बड़ा काम है और उसकी इजाजत के बिना कहते हैं पत्ता नहीं हिलता, लेकिन आप सब लोगों के सहयोग से और उस मालिक ने हमें यह हुक्म दिया कि हम ये काम करें, तो वरना हम हमारी क्या विशाल कि उसका गुणगान कर सके। हम तो उस लायक भी नहीं है, लेकिन अगर उसने हुक्म दिया है तो शायद उसने हमारी प्रार्थना को उस मालिक ने स्वीकार किया। तो बहुत से लोगों को हमने कहा कि हम प्रभु के शरण में जा रहे हैं, तो आप ही आइए। भाग लेने वाले कलाकार तो ज्यादा आ गए, भक्त कम आ गए। तो मुझे वो बात याद आ रही है कि एक भक्त भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मेरी दारू छुड़वा दे। इस हालात को देखते हुए मुझे ये दवा मेरे जहन में आया कि हे भगवान, मेरी दारू छुड़वा दे। तूने कहा बहुत अच्छा इंसान बनना चाहता है, तो बता मैं तेरे लिए क्या करूं। क्या करना क्या भगवान? मेरी 20 बोतलें पुलिस वाले ने पकड़ ली है, वो कृपया छुड़वा दे। तो भक्त का और भगवान के बीच का जो रिश्ता है, मेरा ख्याल है कि कुछ इस तरह से बनने लगा है, जिसके कारण भगवान से भी लोग कम डरने लगे हैं। खैर, ये प्रभु जाने, लेकिन फिलहाल जो आए हैं उनके सामने हम डेफिनेटली कहेंगे आप परमात्मा के, प्रभु के सच्चे भक्त हैं। और जो आ रहे हैं तो मैं सोचता हूं कि रास्ते क्लियर कर दें भगवान, ताकि वो यहां पहुंच सके। और आप सब लोगों को धन्यवाद करते हुए कि यहां पर